आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। ग्राम सचिव के घर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति होने के चलते मारा छापा। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 6:45 बजे लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने टकनेरा के सचिव इंद्रवान सिंह यादव के घर छापामारी कार्रवाई की। काफी लंबे समय से इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी कि ये प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य शासकीय योजनाओं में लाभार्थियों से पैसा वसूल कर रहे हैं, जिसके बाद आज छापा मारा गया। इनके घर से 6 रजिस्ट्रियां, जिनमें से 3 मकान और 3 जमीन की हैं, साथ ही 4 बैंक खाते, 4 LIC के खाते, साथ ही 5 मोटरसाइकिल के कागजात बरामद हुए हैं। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए के साथ सोने चांदी के जेवर भी लोकायुक्त को मिले हैं। हालांकि अभी कार्रवाई जारी है। इस बारे में पूछने पर सचिव इंद्रवान सिंह ने बताया कि उन्होंने कभी भी कोई भी पैसा किसी हितग्राही से नहीं लिया, साथ ही उनके पास जो भी पैसा है वह इनका पुश्तैनी है। वह 4 भाई हैं और 4ों का पैसा एक साथ ही रखा होता है। हेलो, अरे मेरा मोबाइल सिंहपुर क्या आपका रेट पड़ी आज? क्या सुबह आज ये आए तो उन्होंने वो बताया, उनको देखो आय से अधिक संपत्ति आपने कहाँ से जोड़ी सकती है? हम 4 भाई बहन है, खेती है पिताजी की, आय से आप पे आरोप लगे हैं और वो मुझे नहीं बना चाहिए प्रधानमंत्री आवास वगैरह में आपने नहीं करा? नहीं नहीं सर, कहाँ तो हम आज तक नहीं सर। प्रकरण यह है कि ये इंद्रवान सिंह यादव हैं, ग्राम पंचायत टकनेरा में सचिव के पद पर पदस्थ थे। इनके विरुद्ध शिकायत मिली थी कि इन्होंने अपने ज्ञात आय के 100 से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। शिकायत की तस्दीक पर कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध PC Act के तहत FIR दर्ज की गई और माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गुना से इनके मकान की तलाशी के लिए सर्च वारंट प्राप्त किया गया। आज सुबह हम लोगों ने इनके पटेल नगर स्थित इस मकान की तलाशी प्रारंभ की है। तलाशी के दौरान अभी तक 6 रजिस्ट्रियाँ, जिनमें 3 प्लॉट और 3 जमीन संबंधी रजिस्ट्रियाँ प्राप्त हुई, 5 मोटरसाइकिलों के कागजात मिले हैं, 4 LIC के खाते और 4 बैंक खाते की जानकारी इन तक मिली है, लगभग 1.5 लाख रुपया नकद और कुछ सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं और अभी प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ पर पदस्थ थे? ये टकनेरा में पदस्थ थे जब हमारे पास शिकायत आई थी, अभी इनका कहीं और स्थानांतरण हो गया है लेकिन उसका आदेश अभी हम लोग को नहीं मिल पाया। कितने लोगों की टीम आई है? 13-14 लोगों की टीम है। कितने बजे रेड करी? ये करीब 5:45 बजे से। अजय कौन सा एक्ट होता है इसके अंदर? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा होती 13(1)(13)(2)PC Act, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। वार्ड क्रमांक 29 के रहवासी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। वार्ड वासियों का आरोप है कि उनके वार्ड में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता, वहीं नालियां भी बंद पड़ी हैं, जिसके चलते नालियों का गंदा पानी घरों के बाहर आ गया है। वहीं वार्ड वासी इस गंदगी में से निकलने को मजबूर हैं। और आगे तक बनवा दो।
और आगे जाना अलग खराब भाई साहब देख ले रहे बच्चा जा रही है कि पानी चढ़ रहा है, नाली में पानी भरा है, आगे जाम का मकान आटा गिरा दिया तो पूरी नाली फोड़ फाड़ के फेंक दी, चौक कर दी नाली। इसकी शिकायत हमने सीएम ऑनलाइन करी, सब कुछ कर चुके मगर वो कुछ कोई सुनाई भी नहीं। आगे से चौक कर दी है नाली, आगे से चौक कर दी। किसने करी है? मजदूर ने अपनी वो पटक दी आटा, मकान तोड़ दिया, पूरा कच्चा मकान तोड़ा है, जीवीसी से फैला दिया और पूरा बंद कर दिया है। उनसे भी हमने कई दफे कह चुके, बोले हम करण दे रहे करण दे रहे, टाल देते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज एक रैली के माध्यम से जुलूस निकाला और राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रदेश भर में दिन ब दिन बढ़ती बलात्कार एवं हत्या एवं सुसाइड की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जिससे कम से कम इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी तो लग जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले मध्य प्रदेश में जो लगातार आए दिन जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्याएं और हत्याओं की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर के आज राज्यपाल महोदय के नाम पर कलेक्टर महोदय द्वारा हम ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, कानून व्यवस्था टोटल खत्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन सौंप करके राज्यपाल महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अपने दो दिवसीय दौरे पर गुना आए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह, गुना प्रवास पर उनका गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही गुना के एक निजी होटल में गुना, राधोगढ़, राजगढ़ एवं बमोरी के कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के पीछे उनका खास मकसद यह था कि छोटे से छोटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधा संवाद स्थापित कर सके। हमारे तीनों महामंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष भैया मुकुट के लिए घोषणा कर दो, टेकरी वाले हिम्मत लाला जी के यहाँ पर जाएगा ही। जो चांदी के मुकुट अध्यक्ष जी को प्राप्त हुए वो एक जिले में जमा कर जाएंगे। अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूँ, राजगढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोलमल जी का स्वागत करें सांसद निकल से। कार्यकर्ता भाइयों से संवाद स्थापित करूं और यह भी तय किया कि जिस जिले में भी मेरा जाना होगा एक रात्रि का विश्राम वहां पर हो और उसके बाद जिले की ऐसी बैठक और फिर विधानसभा अनुसार आप सबके साथ बैठ के मैं संवाद करूंगा। उसी क्रम में आज मैं गुना जिले में आया हूं। देश में अनेकों राजनीतिक दल हैं, आजादी से लेकर अभी तक अनेकों दल बने, कुछ आए और चले गए, कुछ आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरी दुनिया में अगर भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह के राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया, जहां केवल उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो वह देना चाहते थे। गुना में भारतीय जनता पार्टी में आपसी मनमुटाव एवं मतभेद के प्रश्न को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया और इसके जवाब नहीं दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस बार भी बागी उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के बाद पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, उस पर भी वह सवाल को नकार दिया।
वहीं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का बखान करते भी नजर आए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां दलितों को बराबर का समान सम्मान मिला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक जनता का आशीर्वाद रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक था है और जनता के आशीर्वाद। जब उनसे पूछा गया कि नंद कुमार चौहान की विदाई का क्या राज है तो उन्होंने बताया कि नंद कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने अपने पद से त्याग किया। उनके सामने आपसी पूर्व अध्यक्ष की विदाई का कारण क्या मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नंद कुमार चौहान की विदाई का मूल कारण क्या आप मानते हैं? मूल कारण मैं आपको आज बता देता हूँ, बहुत राज की बात है। और उन्होंने एक कहा कि लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने के कारण वो अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने बार बार आग्रह किया। पिछले 4 महीनों से वो लगातार आग्रह कर रहे थे कि अब उस कुछ समय अपने संसदीय क्षेत्र में देना चाहते हैं और उनके इस आग्रह को स्वीकार करके पार्टी ने उनके द्वार पत्र को स्वीकार किया। हमारी पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, संगठन की दृष्टि से अनेकों काम उन्होंने किए और प्रयासों की पराकाष्ठा उन्होंने की और इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता। जब उनसे पूछा गया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी की क्या तैयारी है तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद से इस बार भी अपना परचम लहराएगी। हमारी तैयारी तो जनता के सामने है, जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ता की ताकत ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि चौथी बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम उनकी कौन सी ऐसी तैयारी है जिस तैयारी के बूते पिछले 3 बार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मध्य प्रदेश में महिला वही कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि न जाने उनकी ऐसी कौन सी तैयारी है जिसके बलबूते पर पिछले सारे चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। बलात्कार के मामलों पर बोले कि इन घटनाओं को राज्य एवं क्षेत्रों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं वह किसी अन्य राज्य एवं सरकार ने नहीं किए। आप लोगों ने क्या तैयारी की है? इसको राज्यों से और क्षेत्रों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। महिलाएं बच्चियां आदिकाल से लेकर अभी तक इस भारत जैसे देश में हमारी आस्था और सम्मान का केंद्र रही और इसलिए उनका वो सम्मान बना रहे इस दृष्टि से समाज के भीतर कहीं ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। जहाँ तक सरकारों का प्रश्न है तो केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार हुई या मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार, महिलाओं के हित में सबसे पहले किसी सरकार ने अगर कोई कल्याणकारी काम किए हैं तो हमारी इन्हीं सरकारों ने काम किए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में भी और भी जागरण करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के समय में विदेशी मुद्राओं का सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में आई है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली वो सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसके समय में विदेशी मुद्रा का भंडार सर्वाधिक रहा है, विदेशों से व्यापार सर्वाधिक बढ़ा है और रुपया के ऊपर नीचे जाने के अनेकों कारण होते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम पुरानी स्थिति से भी बेहतर होंगे। भाई साहब सरकार इतना वहीं प्रदेश के कर्जा लेने की बात पर बोले कि कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, कर्जा लेकर भ्रष्टाचार करना ये सबसे गलत है। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है लेकिन कर्जा लेकर भ्रष्टाचार में उड़ा देना बुरी बात है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य किए हैं वो पूरे प्रदेश और देश के सामने। भाई साहब लगातार 5 साल में 3-3 बार ओवरड्राफ्ट करना कहाँ तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वहीं जब उनसे पूछा गया कि 5 साल में 3 बार ओवरड्राफ्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ी, इस पर वह इस प्रश्न को नकार गए। प्रश्न का जवाब देते समय उन्होंने इतनी चालाकी की कि प्रथम प्रश्न को नकारते हुए दूसरे प्रश्न की बात की। ऊपर से ऐसी परंपरा है परिपाटी है अच्छे से जानते हैं कि कोई परंपरा नहीं, ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो फिर इसका क्या होगा अगर ऐसा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? राधोगढ़ में दिग्विजय सिंह का जो अब सरकार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी भी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी जिला राधोगढ़ के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें राधोगढ़ के चौराहे से रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ तथा नाबालिग बच्चियों के साथ वर्तमान में हुई मंदसौर एवं गुना सतना की घटनाओं से प्रदेश सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं।
सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रह सके। प्रदेश में हो रही इन संपूर्ण घटनाओं की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी की जिला राधोगढ़ की इकाई घोर निंदा करती है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो, साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं सजा दी जाए। सरकार शीघ्र ही सख्त कदम उठाए तथा जो भी अपराधी हैं उनके उनको जल्द ही सजा दिलाए ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम हो सके। इस प्रकार प्रदेश में हो रही इन संपूर्ण घटनाओं की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, जिला इकाइयां, रामगढ़ की इनकी निंदा करता है। भविष्य में इस प्रकार की घटना घटी न हो इस हेतु में जमीनी विवाद के चलते बमोरी थाना अंतर्गत ग्राम मुधोल के अंबेडकर पार्क में बीती रात करीब 11 बजे अज्ञात लोगों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर एवं संत रविदास जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जिसके चलते गांव में तनाव फैल गया। मौके की नजाकत को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, साथ ही मौके पर SDM SDOP भी पहुंचे। ग्रामीणों ने संदिग्धों पर FIR की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि महंत जी की टापरी जो पहले बनी हुई थी उसे भी अज्ञात लोगों ने 2-3 दिन पहले तोड़ दिया था। जब महंत रात को 11 बजे पार्क में पहुंचे तो मूर्तियां खंडित देखी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। राजस्व विभाग के SDM तहसीलदार पटवारी मौके की नजाकत को देखते हुए वहीं पहुंच गए। हरिवार समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की गई, जिससे मामला शांत हो सका। अपराधी को दंडित करवा देंगे, बहुत जल्दी जल्दी जैसा मुझे नहीं दिखा, लेकिन हाँ ये किसी ने रात में श्री अंबेडकर जी की और संत रविदास जी की मूर्तियों को किसी ने तोड़ने की चेष्टा की है, उसके परिप्रेक्ष्य में आए हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उनके खिलाफ
सर नकल और वो खतरे की नकल क्यों नहीं दी जा रही? नहीं नहीं, ये आपका प्रश्न ही गलत है। नहीं, 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 के सामने की तो नहीं, नहीं, मैंने आपके सामने ही बताया ये गलत है। इन्होंने कोई नक्शे की मांग नहीं की और नकल उनको सीमांकन सामुदायिक भवन के लिए अक्स मांगा जा रहा है। नहीं क्यों नहीं जा रहा, ग्राम पंचायत आज मैंने मार किया, आज उन्होंने मेरे सामने की फोटो कॉपी दी है, उन्होंने 4-7 का आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने कोई भी नहीं दी और जब उन्हें मैंने दी है की वो दे दें। और उसमें भी खसरा नंबर का अभी उल्लेख नहीं कि कौन से खसरा नंबर का आना चाहिए। एक अलमारी, 2 मोटरसाइकिल, 2,70,000 रुपए नगद ले गए चोर। कैंट थाना अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी में विगत 8 दिन पूर्व एक घर में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था, उसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। आज रात में फिर धर्मेंद्र सक्सेना के यहाँ चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार पत्रकार कॉलोनी में धर्मेंद्र सक्सेना के यहाँ अलमारी और 2 मोटरसाइकिल सहित 2,70,000 रुपए नकदी चोरी होने की बात सामने आई है। इसी जगह पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी रहते थे। इसी घर में चोरों ने रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक अलमारी सहित 2 मोटरसाइकिल नकदी चोरी चली गई। पुलिस ने मौके का मुआयना कर चोरी की घटना को समझने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल लगी थी वो चोरी हो गई है और सोमकार साहब जो ऊपर रहते हैं प्रोजेक्ट इंचार्ज, उनके कमरे का ताला तोड़ के उनकी अलमारी ले रहे हैं और उनके घर का जो सामान रखा था वो चोरी कर लिया। तो उनसे अभी आपकी बात हुई तो क्या रखा था उन्होंने कुछ बताया? उनके कपड़े वगैरह थे, 2,50,000 रुपये से ऊपर। चालीस घंटे में पकड़ा गया अंधे कत्ल का आरोपी। गुना जिले के म्याना थाना पुलिस ने अंधे कत्ल के एक मामले में 48 घंटे के भीतर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वारदात को म्याना थाने के उमरी चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम हस्तिनापुर में अंजाम दिया गया था। गुना एसपी निमेश अग्रवाल ने बताया कि यहां पर एक नाले में रेव सिंह बंजारा नामक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर शव बरामद कर जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान मृतक के गाँव के ही 25 वर्षीय युवक द्वारा घटना को अंजाम देने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में म्याना थाना प्रभारी राकेश गुप्ता, उमरी चौकी प्रभारी पंजाब सिंह सहित कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। एक जुलाई को थाना म्याना अंतर्गत हस्तनापुर गांव के अंतर्गत रेव सिंह बारेला की जो है बुखारा नाला के पास में जो है उसकी बॉडी मिली थी, उसमें धारदार वस्तु से चोट के भी निशान थे और उसमें प्रथम दृष्टया उसमें मर्डर मानते हुए उसमें म्याना पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी। तो रेव सिंह बारेला जो है इसमें जो उसका साथी है उसके द्वारा ये मर्डर करना पाया गया है और उसने धारदार जो है उसने लकड़ी के उससे उसको चोट पैरित करी और फिर पत्थर उसके सर पर पटक के उसकी मृत्यु कर दी। हत्या का कारण जो है शराब के नशे में मृतक द्वारा आरोपी से गाली गलौज की जा रही थी और लगभग एक वर्ष पूर्व भी जो है इनके बीच में कुछ बातों में झगड़ा हुआ था, जिसका जो झगड़ा जो है इनके बीच में पुनः शुरू हो गया था। उसके बाद जो है आवेश में आकर जो है इसमें आरोपी ने जो है मृतक के सर पे अपने जो लकड़ी का डंडा था वो दे मारा और उसके बाद जो है उसके सर पे पत्थर पटक। और भी आरोपी है क्या सर इसमें? नहीं, इसमें एक ही आरोपी है और इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसको कौन सा सर कोई ऐसी दाढ़ी टाइप की थी या किस तरह का मामला? ये एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसपे कि जो है तार फेंसिंग का तार भी बंधा हुआ था तो उससे जो है उसपे वो धारदार जो है उसपे चोट आई है। पुलिस ने बरामद कर लिया। हाँ, तो उससे ये पत्थर अलग और लकड़ी अलग ये क्या मामला है किस तरह? पहले उसने उसको जो है आवेश में आके उसको लकड़ी के पत्थर से मारा था और फिर उसने उसके बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए फिर उसके सर पर जो है उसको पत्थर पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर शहर में जो एक कम्बो लड़की नाम की जो है
तब मौके घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह करीब एक घंटा कम मौके घर पर रहे, जहां उसके परिवारजनों से बातचीत की, साथ ही उन्हें दिलासा भी दिया। वहीं शोक की घड़ी में उन्होंने कुछ समय मौन रहकर भी बिताया। यहां गौर करने वाली बात यह रही कि लक्ष्मण सिंह के लिए परिजनों ने कुर्सियां लगा रखी थी, लेकिन वह कुर्सी पर ना बैठते हुए नीचे फर्श पर ही बैठे। वहीं उन्होंने साथ में ही कम्मो के पिता को भी बिठाया। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ हैं। साथ ही उन्होंने दुख की घड़ी में राजनीति न करते हुए सिर्फ शोक व्यक्त किया। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी गुना में मौजूद हैं, इसके बाद भी पीड़ित के घर नहीं आए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह आएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ आने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। साथ ही वे पीड़िता के घर अकेले ही पहुंचे, उनके साथ में कोई लाव लश्कर नहीं था। किसका फोन है? क्या काम? गिर पड़ा जी, इतना सूझा था, मैंने उठ पाया बहुत देर से फोन पा। जब मैंने वहाँ जा कर देखा तो वहाँ पर घर की सोफे पे पड़ी हुई थी, हंसी का कोई था नहीं। फिर पुलिस वाले ने बुलवाया, वहीं से कोई पार्टी आ गई थी, जिनने बुलवाया कि बुलवाओ उनको। पाँच मिनट बाद वहाँ पहुँचे, पाँच मिनट में ही लौट गए वापस। अच्छी तरह मान रहे हैं, अच्छा अच्छी तरह रखते थे उसको, कोई परेशानी पहले कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं थी, कभी नहीं हुई कोई शिकायत। वो तो अचानक ही हुआ था, अचानक ही हुआ था। 15 साल से काम करी तब कोई शिकायत? 15 साल से काम कर रही थी सर, मैंने कोई शिकायत नहीं है थी। मुझे बहुत अच्छे रखते बेटी, बहुत अच्छी मुझे भी रखते। कोई शिकायत नहीं थी आपको? कोई शिकायत नहीं थी। आज 12:30 बजे की बात हादसा होता है, सरकार अपने आप कुछ मदद करती है। आपकी बच्ची छोटी थी, उसका भी इलाज हो जाता है, होना चाहिए गिरफ्तारी। और पूछताछ करना चाहिए कि उस बच्ची को रात को 10 बजे क्यों बुलाया जाता था, ऐसा कौन सा काम है 10 बजे रात को? तो ये एक संदेह की बात है। तो ये सीधा सच्चा बड़ा गरीब परिवार है। आप पीड़ित परिवार से मिलने आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल से शहर में हैं, उन्होंने यहाँ आना जरूरी नहीं समझा, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो भी आएंगे, आना चाहिए उनको, और क्या? इस परिवार की जितनी मदद कर सकते हैं करना चाहिए, और दोषियों को पकड़ना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी? हम लोग मिलकर इसमें जो भी इनकी मदद, मैंने कहा एक बच्ची है इनकी जो विकलांग बच्ची है, इसकी शादी के लिए मैंने कहा है कि इसका अगर विवाह ये लोग करते हैं तय, तो उसमें हम लोग सब मिलकर चंदा करके पूरी मदद करें, न्याय दें, और इनकी जितनी आर्थिक मदद कर सकते हैं करें। बहुत ही गरीब परिवार और बड़ा दुखी परिवार, हम लोग सब इनके साथ हैं जिस दुख की घड़ी। धन्यवाद। ये जो बलात्कार की मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, कोई एक दो घटना नहीं, सैकड़ों घटना हो चुकी है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसका मुख्य कारण बलात्कार का होता है कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका अत्यधिक सेवन, जिसमें स्मैक है, कोकीन है, और इसका चलन इतना बढ़ गया है कि बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज से 10 साल से कह रहा हूँ, इसके बारे में मैंने काफ़ी प्रयास भी किया है, सांसद था तब भी करता था, कि जो लोग इस व्यापार में लिप्त हैं उनकी संपत्ति कुर्क करना चाहिए। जब तक संपत्ति कुर्क नहीं करेंगे तब तक ये व्यापार रुकेगा नहीं, और जब ये व्यापार बढ़ेगा तो इस तरह की घटनाएं होती हैं।
कोई भी व्यक्ति अपने होश में इस तरह की घटना नहीं कर सकता। नहीं तो अभी कुर्क होना चाहिए, और कई देशों में ऐसा कानून है। पंजाब में आप देखिए, सरकार ने, वहाँ की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो नशीले पदार्थ का व्यापार करते हैं उनको फांसी की सज़ा हो, ये प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। तो यहाँ भी हमको बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि नशीले पदार्थों का व्यापार बंद हो, क्योंकि व्यापार बंद होगा तब सेवन बंद होगा। अगर व्यापार चलता रहेगा तो लोग उसका सेवन भी करते रहे। चार तारीख को आपने कैंडल मार्च रखा है नागोगढ़ में, जी हाँ, क्या उद्देश्य है उसका? ये नशीले पदार्थों के खिलाफ और ये बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए, और बहुत ही मतलब चिंता वाली बात है कि अभी सतना में फिर 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। इस मामले में किसी जांच की मांग करेंगे आप? जांच तो करें बिल्कुल, किसी एजेंसी से जांच करें। हम तो कह रहे हैं सजा दें उनको जिन्होंने इस तरह कुकृत किया है, चाहे वो किसी धर्म समाज के हो। समाज ने सीबीआई की जांच की मांग की है? हैं, समाज ने सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई की जांचों में कुछ नहीं होता, लंबा समय खींचता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और बलात्कार के मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जब तक नशीले पदार्थों के व्यापार पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, और प्रतिबंध क्या है, उनकी संपत्ति जब तक हम कुर्क नहीं करेंगे जो क्रिमिनल्स हैं जो उसमें शामिल हैं, तब तक समाज चैन से नहीं सोचा। नहीं, अभी जो लड़की की मौत हुई है इसमें हैंगिंग आया है पीएम रिपोर्ट में, बलात्कार की पुष्टि नहीं की गई है। ये मामला नहीं है, पर मैं जनरली बलात्कार की बात कर रहा हूँ। इस मामले का अभी जानकारी, अब पुलिस की रिपोर्ट आएगी, पुलिस का रिपोर्ट आएगी, पीएम होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें अब क्या निकलेगा मुझे नहीं मालूम, वो एक जांच का विषय है। लेकिन मैं एक आम तौर पर जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं उसमें मेरा ये कहना है कि संपत्ति कुर्क की जाए और इसके बिना काम नहीं चले। इस लड़की की जो मौत हुई है, डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।